स्पाइसी मानो वो नहीं होगा स्पाइसी, आप स्पाइसी ऐसा खिलाएंगे आपको ना जाने कैसा खिलाएंगे भैया। अच्छा समझ गया, मतलब पंजाब में जो बिकता है ना कड़कपन वो है। अब थोड़ा बटर से इसका मेकअप कर देते हैं अपन, ये बटर में कोई कमी नहीं आएगी पंजाबियों के खाने में। ये आ गया भैया अपना ये चूर चूर नान। क्या बात है भैया, कितना पनीर फ्री में आ रहा है? फ्री में आ रहा है भैया, पनीर ही पनीर, पंजाबी वाली बात, पनीर नहीं खिलाएंगे तो फिर क्या खिलाएंगे यार, मैं समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये पनीर बटर मसाला खाना देख रहे हो गाइस, डिफरेंट कितना यहाँ चीज़ें अलग हो रही है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। इसका डेकोरेशन रोको, ऐसा है, एक सेकंड में खड़े हो जाओ जी। ऐसा है कि जी मैं स्कूटी में घूम रहा हूँ जयपुर में, आज मेरे को हमारे परावा ना लेके जा रहे हैं, कितने अपन चल रहे हैं कुलवंत सिंह जी के सरदार जी का अमर पंजाबी ढाबे से। कुलवंत सिंह जी का अमर पंजाबी ढाबा। अच्छा हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं क्या फेमस है? चूर चूर नान, पंजाबी थाली, मतलब सारा पंजाबी आधा स्वाद है। दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, कढ़ाई पनीर, चूर चूर नान में स्टफ पनीर की फिलिंग, पनीर की फिलिंग, आलू की फिलिंग, अमूल की क्रीम, स्वाद आ जाएगा तो पंजाबी वाला जाए। हाँ जी जरूर आएगी यार। जयपुर में बैठे हैं जी, खाना खाने जा रहे हैं, गलियों में जाना है, स्कूटी में जा रहे हैं भैया के साथ, गाड़ी लगाइए पास में, चले जी, चलो जी बैठो। ऐसा है कि खाना अच्छा खिलाना है? अरे भैया खाना ऐसा खिलाऊंगा ना जाने कैसा खिलाऊंगा। अच्छा हाँ। चलो लेके चले स्कूटी। बाय गॉड कह रहा हूँ, रूल टूटता देख तो रहे हो आप लोग, आई स्वर हैव नेवर डन दिस रूल तोड़ने के लिए, बट यहाँ पे पार्किंग का सीन नहीं था यार, एंड आई हैड टू पार्क द कार समवेयर। मैं बड़ा परेशान हो गया यार, पहली बार वेज के लिए नहीं मेहनत करने ऐसे हैं, आपको पता ही है। ए जी जयपुर। अच्छा जी असी रू छोड़ो यार, रूल्स की गल नहीं करनी गाइस, ये है जगह। हाँ जी, हाँ जी भैया, दी आपने फाइनली, आपको देख लो आप यार। अच्छा ये जगह है जी, ये जगह है भैया, बड़ा नाम है यार आपका यहाँ पे, कुकिंग होती है वहाँ पे, बीच में स्टाफ है और आगे सिटिंग एरिया है अपना। चलो एक मिनट दो बस, एक्सप्लोर करते हैं, आ जाओ टांगे खोल लूं, एक सेकंड दो बस, जरूर टांगे हाथ पांव सब खोलो आप यार। अब दिखाओ जी अंदर का, आ जाओ तो सीटिंग वहाँ पे है, सीटिंग वहाँ पे, हाँ जाओ आ जाओ, पहले सीटिंग देख लें इनकी, आओ। सो सरदार जी का अमर पंजाबी ढाबा, फैमिली के बैठने की जगह, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे लोग आराम से, यहाँ पे आराम से खा सकते हैं, फैमिली आ सकती है और जैसे दोस्तों के साथ आ जाओ, ठीक है खाना देखते हैं, जरूर जरूर चलो। अच्छा दिस इज योर कुकिंग एरिया जी? हाँ यहाँ पे सारा मतलब जो ग्रेवी रेवी होती है वो सारी कटिंग वटिंग सब कुछ इधर प्रिपेयर होता है। चलो जी आ जाओ अंदर। सो आपका नाम सुना था, मैं आ गया, क्या हाल है जी, कैसे है? ठीक है, वेरी गुड। मेहनती लोगों को देख के बड़ा मन प्रसन्न होता है हमारा, ठीक है तैयार हो रहा है दादा? ये अभी दाल मखानी, ये सेव टमाटर तैयार हो रही है सर, सेव टमाटर, वेरी गुड। अब हमें क्या क्या खाना चाहिए? आपको चूरचूर नान ट्राई करनी चाहिए, पंजाबी थाली ट्राई करनी चाहिए, और यहाँ के हमारी स्पेशल जो वेजिटेबल है मिक्स वेज है, मलाई कोफ्ता है। आप मेरे को एक काम करना, आप मेरे को पहले चूरचूर नान लगा दो, ठीक है, और साथ में एक थाली लगा दो, कोई नहीं बहुत बढ़िया, थाली लगवाया था मैं आपको, लगवा दो जी तब तक आप, फिर उसके बाद में सब्जी वब्जी ट्राई कर लेंगे दान जी का। जी ये तंदूरी है जी? हाँ जी ये तंदूर वाले। क्या हाल है भैया, कैसे हैं? बढ़िया है। नाम क्या आपका? पिंकू। पिंकू, हाँ जी, पिंकू योगी जी के आदमी। अच्छा जी क्या बात है, लगाओ जी चूर चूर नान, जिसकी तारीफें सुन सुन के मैं परेशान हो गया कल से, कि कुलवंत सिंह जी के यहाँ पंजाबी ढाबा जो अमर वाला है उधर खाना खाना। बड़े बोलते कम हो आप, अपन बोलते नहीं ना, ये कैमरा शो है। अरे यार इतनी प्यारी स्माइल जो दुनिया देखने चाहती है उसको छुपा रहे हो पर्दे के पीछे, हैं? अच्छा डेली खुले हो? डेली 7 days। सो बेसिकली आलू और पनीर मिक्स किया आपने, मिनट में आप नहीं बात करोगे भैया? जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो जयपुर में शुरुआत करी थी ना चुड़चुड़ नान की, वो सबसे पहले हमने ही करी थी। अच्छा आप ही दे रहे हो? हाँ भैया मैंने ही करी। क्या रेट क्या इसका ब्रदर? इसका 120 की प्लेट है, इसके अंदर दो पीस चुड़चुड़ नान आएंगे, पनीर बटर मसाला आएगी, दाल मखानी आएगी, प्याज की चटनी आएगी और साथ में अचार आएगा। अच्छा चुड़चुड़ नान के साथ, और साथ में पंजाबियों का स्वाद आएगा। आप रैपर हो गए? रैपर हूँ भैया। 120 में एक तरह चूचू नान की थाली है। हाँ भैया, अब इसके ऊपर से सौफ धनिया आएगा और धनिया आएगा, मसाले आएंगे हमारे, ये घी से पहले ऊपर लगा रहे हैं, घी लगा रहे हैं उसके ऊपर।
तो फाइनली आप देख सकते हुए पेड़े तो तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हमारे स्पेशल मसाले लगाए जाएंगे, सौंफ धनिया हो गया, मिर्ची हो गई, धनिया हो गया। 5 मिनट थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा, उसके बाद फिर इसका डेकोरेशन होगा। इसका मसाला लगाओगे? ये हो रही है जी दाल फ्राई। हाँ जी दाल फ्राई हो रही है। सो वेज लवर्स, जयपुर में अगर पंजाबी खाना खाना है तो यहाँ पे आना है। लाल मिर्च वगैरह डाल के तड़के तुड़के लगा के टमाटर के साथ बढ़िया तरीके से फायर शो हो रहा है यहाँ पे। दाल कौन सी इस्तेमाल करते हो? दाल चना उड़द मूंग। अच्छा मिक्स दाल होता है? मिक्स दाल होता है। अच्छा मिर्ची का बड़ा इस्तेमाल होता है जयपुर में, तो यहाँ होते हैं मिस्टिक मिर्ची का इस्तेमाल? होता है ना भैया, क्यों नहीं होता यार। स्पाइसी माना होगा? नहीं होगा स्पाइसी। आप स्पाइसी ऐसा खिलाएंगे आपको ना जाने कैसा खिलाएंगे भैया। अच्छा समझ गया, आप ब्लॉगर ही हो पक्का कहीं ना कहीं। ब्लॉगर ही। अच्छा दाल डल गई है? वेरी गुड, पंजाबी तड़का दाल। ऐसी दाल है दिल्ली में नहीं मिलेगी आपको। अच्छा जी हाँ जी, लगाने लगे हो? लगाओ लगाओ। लाल मिर्ची पाउडर है। ये क्या क्या? ये घी है। अच्छा घी। अच्छा घी ये सौंफ धनिया। सौंफ और धनिया। ये हरी धनिया। ये देखो भैया ये ऊपर से पनीर की बारिश हो रही है। पूरा पनीर पनीर डाल के साथ पनीर ही पनीर। कौन तैयार हो रहा है वहाँ पे? पनीर कोरमा। पनीर कोरमा तैयार हो रहा है। पनीर कोरमा तैयार हो रहा है वहाँ पे। ये आपके अब नान तैयार होने गए तंदूर में। डन। ये पनीर कोरमा है। क्या हाल है? क्या क्या ऑर्डर किया खाने का? ये मैंने बेसन कट्टा और रोटी। कैसा लगता खाना इनका? यहाँ बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ से 4 साल से मेरा रिलेशन है खाने का, आने का, जाने का, भैया से और खाने का, घूमने का, पीने का, खाने का। खाना भी तो अच्छा है सर, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हैं यहाँ पे। पूरे इंदिरा बाजार गिन्नी की 3 ब्रांच है, बापू बाजार, नेहरू बाजार, सभी जगह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। आप कस्टमर ही हो ना? तारीफ की तारीफ करें, अच्छी बात है। चलो थैंक यू वेरी मच भैया। निकलेगा ये? हाँ हो गया जी। एक सेकंड आया दादा, एक सेकंड आया। और ले आओ 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 ले आओ। ये भैया नाम देखो, करारा 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 करारा। टाइम है क्या? नाम इतना क्यों रखा है? ये पंजाबी करारा रहता है ना, ये मतलब पंजाब में जो बिकता है ना कड़कपन, वो है, वो अपन जयपुर में सर्व करते हैं भैया। ये पंजाब का स्वाद जयपुर ले आए हम। अब थोड़ा बटर से इसका मेकअप कर देते हैं अपन। ये बटर में कोई कमी नहीं आएगी पंजाबियों के खाने में, बटर भरपूर रहता है हमारे खाने में। लग तो बड़ा अच्छा रहा देखने में यार। अरे भैया खाओगे तो। सो कुलवंत सिंह जी आपके चाचा है? हाँ जी मेरे चाचा है कुलवंत सिंह जी। हाँ। और अब ये इसके ऊपर हमारा स्पेशल मसाला आ जाएगा। ये हो रही है जी पनीर की बारिश। पनीर अच्छा, बनने पनीर के बाद भी? हाँ भैया पनीर ही पनीर, पनीर ही पनीर। सो पहले बटर फिर पनीर? पहले बटर फिर हमारा स्पेशल मसाला और फिर पनीर, और अब इसको अपन तोड़ देंगे। बटर भी अब? अरे भैया बटर भी किसेंगे अमूल। पहले बटर लगाया तो था, ब्रश किया था? नहीं नहीं ऊपर से फिर डालते भी हैं। और अब भैया इसको अपन करेंगे चूर चूर। ठहरो ठहरो ठहरो, चलो जी करो। ये हो गया जी अपना चूर। ये आ गया भैया अपना ये चूर चूर नान। देख रहे हो जी इसके ऊपर से और पनीर जाएगा। क्या बात हो गई है, कितना पनीर फ्री में आ रहा है? फ्री में आ रहा है भैया, पनीर ही पनीर। पंजाबियों की बात, पनीर नहीं खिलाएंगे तो फिर क्या खिलाएंगे यार? मैं समझ नहीं आ रहा, मतलब पंजाबियों का आपको टेस्ट बढ़िया मिलेगा, बटर भरपूर मिलेगा और पनीर भरपूर मिलेगा। ये 3 चीज़ों की कमी कभी पंजाबी खाने में वो नहीं आएगी, मतलब कमी नहीं आएगी पंजाबियों के खाने में। बस करो, बहुत तारीफ करो। स्वाद भी अच्छा ही। अरे भैया आप खाओ तो सही पहले। अब अपन बढ़ते हैं पनीर बटर मसाला की ओर। अब हाँ। लगवाते हैं अपन दो रोटी लगा दो। पनीर बटर मसाला अलग से कितने का मिलता है भैया? वैसे 110 का हाफ है और 200 का फुल मिलता है। ये क्या डाल रहा दादा? ये पनीर बटर मसाला लग रहे हैं। चूर चूर नान का पनीर बटर मसाला लग रहे हैं। चूर नान का पनीर मसाला। अभी आपने लहसुन प्याज और हरी मिर्च डाली है? लहसुन प्याज और हरी मिर्च का तड़का लगेगा इसमें। वापस डल गया इसमें टमाटर। सो यू नो डलेगी इसमें बटर जी। सो यू नो दिस ढाबाज गेट वेरी फेमस इज ओनली बिकॉज दे गिव यू वेरी कंफर्ट मील, रिमाइंड्स यू ऑफ होम।
नॉर्थ इंडियन फूड का ढाबा खाना इज जस्ट नेक्स्ट लेवल दैट आई नो इज बिकॉज यार मैं सब खाते हैं यार हम लोग वाइट लाइफ और जयपुर में कैसा हेवन मिल जा रहा है लाल मिर्ची थैंक यू भैया बताने के लिए साथ साथ मेरा काम कर रहे हैं सर यू एवज सिंह ऐसा खाना जयपुर में मिल जाए तो नथिंग लाइक इट यार वो आदमी की जो क्रेविंग होती है खत्म हो जाती है अच्छा पनीर डाल रहे ग्रेवी डाल रहे डाल गया स्पेशल मावा ग्रेवी गरम मसाला स्वाद अनुसार नमक ये आ गया टमाटो केचप बेटो केचप खट्टा मीठा स्वाद के लिए ये गया हल्का सा फूड कलर ये गया अमूल का क्रीम ये हो गया आपका छोर छोर नान थाली का पनीर बटर मसाला पनीर का है पनीर अब डालेंगे ऊपर से क्रेश करके डालते पनीर तो डालो रेडी कर रहे हो उसकी चाहिए पनीर बटर मसाला खाना देख रहे हो गाइस डिफरेंट कितना यहाँ चीज़ें अलग हो रही है मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ये सबके लिए ऐसी होगा ना सबके लिए रेडी है अच्छा ये है चटनी ये प्याज खीरे तो अमृतसर की याद दिला दी आपने अमृतसरी कुलचे की और ये हो गई जी दाल मखनी अच्छा ये भी थाली में आती है ये थाली में आती है ये रेडी करके रखते हैं पंजाबी पंजाबी खाना वाह जी वाह भाई कभी ऐसे जनरली पूछो नॉन वेज नहीं खाते आप लोग तो रखते क्यों नहीं नॉन वेज अच्छा अच्छा अरे दाल आ गई ये आ गई दाल मखनी क्रीम डालो ये डाल रहे हैं अपन मिर्ची का अचार क्या इसका डेकोरेशन हो गया जी काम डन चलो जी मैं खाने हो गया चूर चूर नान की थाली रेडी हो गया सो खाना देख लिया थैंक यू वेरी मच दादा खाना देख लिया अब खाना खाने का समय है घर की याद आ गई देख के पूरे पंजाबी खाना बड़े अच्छे लोग हैं यार अच्छे से बातें कर रहे हैं मुझे वहाँ से पिक किया जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी सो गुड थिंग ना अब खाना खाते हैं ओके गाइस दाल तड़का और साथ में चूर चूर नान की प्लेट पास आ जाओ मेरे थोड़ा जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट इज़ हैपनिंग हियर लॉट ऑफ बटर एंड पनीर पूरा वो पूरा ग्राइंड करके ना पनीर को ऊपर से डाल दिया हुआ है तो लॉट ऑफ बटर यहाँ पे पिकल है दाल मखनी बटर पनीर मसाला और साथ में चटनी पास आओ थोड़ा और पास आओ और ये देखो जस्ट लुक एट दिस यार ये देख रहे हो कैसे बटर वटर डाल रखा है एंड सो मेनी मसालाज मतलब इन्होंने वेज खाने को भी ना एलिवेट कर दिया एंड देन पनीर बटर मसाला नेवर सीन ऐसी मेकिंग जहाँ ऊपर से पनीर डालो बाद में बनने के प्लेटिंग होने के बाद चालू करें और राइट इधर आओ जी ये फीलिंग देखो अंदर फीलिंग का दिखाऊँ ऐसा चूर चूर कर दिया है वाह जी वाह फीलिंग तो दिख रही ना ऐसे खाते हैं ओके स्टार्ट करो जी ये लो ये है जी पूरा नान की बाइट और डिप करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस चटनी में और बस ऑलराइट 3 2 1 सब्सक्राइब लेट्स गो इन फैंटास्टिक मज़ा आ गया मैं कह रहा हूँ कमाल करता है जी दिल खुश कर दिया देखो एक बाइट लेता दाल के साथ ये लो जी ये इनकी दाल मखनी इतनी कलरफुल प्लेट ना इट्स रेयर टू सी हाँ कितना मटन खा लिया था ना नगद आपने बता रहा नॉनवेज ब्लॉग वेज खाना है जेन्युइनली वेज की क्रेविंग होती है फैंटास्टिक फूड इट्स वेरी रिच हाँ लेट मी टेल यू लॉट ऑफ बटर लॉट ऑफ पनीर मतलब इतना कुछ चल रहा है ना दैट टू एक्सप्लेन इन द वे दैट आई कैन वो होगा नहीं बिकॉज खाने में यार इतना कुछ मैं क्या बोलूँ मतलब समझ नहीं आ रहा All I'm trying to say is too many flavors and to explain each flavor is difficult. Aake khana, you'll understand what I'm saying. Ye lo ji, idhar aao. Inka paneer butter masala. Bhai. Ye dekho ji. Aha ha. Khaya jaye isko. All right. Jo halki si mithas मज़ा आ गया तो अच्छा गया चूर चूर कर रखा है बड़ा फ्लेकी हो गया नान जरा लाइक करारा नान है एंड लाइक आई सेड टू मेनी फ्लेवर्स तो मज़ा आएगा यू वॉन्ट जस्ट एक्सपेक्ट अ चूर चूर नान जो बहुत लोग खाते हैं दे डू देयर ओन एक्सपेरिमेंट्स दे शेफ हैज देयर ओन स्टाइल
इनके तंदूर वाले भैया बात जरूर कम करते हैं पर हाथ में कला बहुत है। आ जाओ दाल खाते हैं कि दाल तड़का। दाल तड़का की तारीफ बड़े करते सदा जी। मजा आ गया, हाईली हाईली इम्प्रेस। रेटिंग स्क्रीन पे देख ली, इमेजिन। और सच बताऊं जब मैं बड़ी कम उम्मीद से आया था, बहुत कम उम्मीद से, क्योंकि मुझे पता नहीं था कुछ। और मैंने कहा जयपुर में वेज बना रहा हूँ, पंजाबी, डज इट मेक सेंस? बट दो दिन से तारीफ सुन रहा था। एक बार खा के देखो, एक बार खा के देखो, जान है बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये सच्ची बात है भी, मैं इन्जॉय करने वाला हूँ। बात ऐसी है कि आपने आना है कुलवंत जी के ढाबे में, जिसे कहा जाता है सरदार जी का अमर पंजाबी ढाबा, जो कि जयपुर में है। डिस्क्रिप्शन में लोकेशन, एड्रेस, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट नंबर सारी डिटेल्स डाल दूंगा। ना मिले फ़ोन करके परेशान करो, पहुँचो, ट्राई द फूड। हो सके तो यही सेम चीज़ ऑर्डर करना, ताकि आपको वही तजुर्बा मिले जो मुझे मिला है। और मेरा रेफरेंस ज़रूर लेना, ताकि इन्हें पता चले कि आप किसी उम्मीद से आए हो। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ठीक है ही नहीं। इंस्टाग्राम पे रोरा शोएब एंड फेसबुक पे शोएब रोरा लिखोगे, वहाँ भी फॉलो करना। इसके अलावा कुछ बताना? कुछ नहीं बताना। आई एम गोना गो हेड टुवर्ड्स दिल्ली, बिकॉज बहुत खाली है जयपुर में। आपसे जल्द मिलूंगा दिल्ली में और सून पुणे में। टेक केयर, बाय बाय।